बात थी करीब 60 के दशक की शुरुआत की, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस महासमिति का एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला था और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे। तो जब आपा जी को पता चला कि जवाहरलाल जी आ रहे हैं, तो आपा जी उनके पास पहुँचे कि पंडित जी आप जयपुर आ रहे हैं और आप वनस्थली नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जवाहरलाल जी ने कहा कि शास्त्री जी वनस्थली पहुँचने में कितनी देर लगती है? तो आपा जी ने कहा पंडित जी 4 घंटे जाने में और 4 घंटे आने में। बोले शास्त्री जी कम से कम 4 घंटे वहाँ रुकने में, तो फिर 12 घंटे तो बहुत समय है, तो मेरे लिए निकालना संभव नहीं होगा। तो आपा जी ने तुरंत उनको जवाब दिया कि आप हवाई जहाज से आ जाइए। पंडित जी बोले आपके यहाँ हवाई अड्डा है? आपा जी ने तुरंत जवाब दिया कि आप आएंगे तो बन जाएगा। दिन रात आपा जी यहाँ खड़े रहे और उन्होंने 1 महीने के अंदर जो है वो हवाई अड्डा बनवा दिया। और वास्तव में हवाई जहाज का पंडित जी का जो डकोटा प्लेन था उसने यहाँ पर लैंड किया। उनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। आरंभ से ही उनकी इच्छा सामाजिक कार्य करने की थी। उस समय देश में आज़ादी का माहौल था, तो उसमें भी वो बहुत अग्रणी थे। और 26 वर्ष की आयु में वो राजपूताना राज्य में होम एंड फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन पे पहुंच गए। इंडिपेंडेंस के बाद में तो राजस्थान एक जो स्टेट बना, तो उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो आपा जी यानी पंडित हीरालाल शास्त्री जी ही बने। पर उनके मन में कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रभावित होकर ये था कि मैं गांव के उद्धार के लिए कुछ काम करूं, विलेज डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने ऐसा गांव चुना जहाँ पे कि बहुत सारी अलग अलग तरह की जाति और कम्युनिटीज़ थी। तो वह बहुत तलाश करके वनस्थली गाँव में आए ताकि वो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकें और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपना जंग लड़ाई जारी रख सके। गांव में कितनी कुरीतियां थी, पर्दा प्रथा है, मृत्यु भोज है और बहुत सारी तरह की कुरीतियां, उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम यहां पे आके किए गांव में और बहुत सारे ऐसे लोकगीत लिखे जिसके माध्यम से उनको कम्युनिकेट किया जाए, जो विलेजर्स हैं वो उस बात को जान पाए कि कैसे हम इस चीज़ से निकला जाए। उनकी एक बहुत ही होनहार बालिका थी शांता भाई, तो एक दिन अचानक उनको बहुत तेज बुखार हुआ गर्मी के दिनों में। अब मेडिकल सुविधा तो आज भी नहीं है ग्रामीण इलाकों में। अब इससे पहले कि शास्त्री ये विचार करते कि शांता भाई को उपचार के लिए जयपुर ले जाए, शाम तक उनका देहावसान हो गया। और स्वाभाविक है कि उनके जाने के बाद दादाजी तो एकदम से बहुत निराश हो गए, 3-4 महीने उठे नहीं बिस्तर से। पर जब ये विचार उनको सांत्वना के तौर पे दिया गया कि और भी बच्चियाँ हैं, तो उन्होंने तुरंत ये माना कि भाई उसको जिस तरह से ट्रेन करते सभी बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ हैं। और उन्होंने ये प्रण लिया अपना पूरा राजनीतिक जीवन छोड़ के, अपना पूरा कैरियर छोड़ के, कि मैं आगे का पूरा जीवन बच्चियों की शिक्षा को समर्पित करूँगा। उन्होंने अपने सभी मित्रों को और सभी परिवार वालों को लिखा कि आप अपनी बच्चियों को यहाँ भेजिए, मैं एक स्कूल शुरू करना चाहता हूँ। अब उस समय कौन सा स्कूल था, किस स्तर का था, कौन सा पाठ्यक्रम रहेगा, कौन सा बोर्ड रहेगा, ऐसा कोई विचार नहीं था। तो एक दिन 5 बच्चियाँ घर पे आईं और फिर उनका क्या किया जाए। तो शांता भाई का व्यक्तित्व बड़ा भव्य व्यक्तित्व था, उनको संगीत नाच गाने का बहुत शौक था। तो एक संगीत शिक्षक को रखा गया कि भाई इनको नाचना सिखाइए, गाना सिखाइए। उनको भागा दौड़ी खेलकूद का भी बहुत शौक था। तो एक दादूपंथी साधु को रखा गया कि इनको इंडियन मार्शल आर्ट्स इसको बोलते हैं, लाठी चलाना बाला चलाना सिखाइए। तो आज जब हम बात करते हैं कि हमारी पंचमुखी शिक्षा है, शिक्षा केवल कक्षा में और किताबों से नहीं हो सकती है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, तो ये सब विचारधारा शांताबाई के व्यक्तित्व से निकली। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था वही सभी गतिविधियाँ बच्चियों को कराई गई। बहुत
बौद्धिक शिक्षाएं तो सभी यूनिवर्सिटीज देती हैं, सब जगह होती है, पर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है, संपूर्ण विकास, वो वनस्थली विद्यापीठ करती है। उसमें आप देखिए फिजिकल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन है, एस्थेटिक एजुकेशन है और प्रैक्टिकल एजुकेशन है। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन वो अपने डिपार्टमेंट्स में, लैब्स में लेते ही हैं। दूसरा देखिए हाउस राइडिंग में ऑल वुमेन, कहना चाहिए कि एक कंपटीशन होता है उसमें, कि वुमेन ही नहीं, उसमें मिलिट्री के भी होते हैं और आर्मी के भी होते हैं और पुलिस के दल के भी होते हैं जो कि हॉर्स राइडिंग करते हैं। उसमें वनस्थली की लड़कियां, जो कि यूनिसेक्सुअल होता है कंपटीशन, उसमें जीत के आई हैं और गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। स्विमिंग है, फ्लाइंग है, अभी आप देखिए कि हमारी जो फाइटर पायलट, जो एक भारत की जिन्होंने इतिहास रचा है अवनी चतुर्वेदी, वो वनस्थली की ही छात्रा रही है। सुन के हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं कि हमारे से एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है। 15,000 बालिकाएं हैं, 30 विभाग हैं और लगभग हर क्षेत्र में हर स्तर की, नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक की यहाँ शिक्षा दी जाती है। हमारे जो संगीत डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कि 1943 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा साथ में हमने क्या किया है कि देखिए सभी तरह के क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट और सभी तरह के राजस्थानी लोक वाद्य वृंदी, यानी कि राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं और हम स्टूडेंट्स को बजाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जो आपा जी थे, सिंस इंस इंसेप्शन, तब से करते आए हैं। और इसके अलावा भी देखिए कि जो इंडस्ट्रीज में भी हमारे जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वनस्थली की शुरुआत 1935 में जब हुई थी, उसके बाद से आज तक शिक्षा का स्वरूप बहुत बदल गया है। कंप्यूटर शिक्षा भारत में 79 में शुरू हुई थी एंड वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इन 83। हमारे स्कूल ऑफ ऑटोमेशन में जेस्चर कंट्रोल, साउंड कंट्रोल, कई तरह के रोबोट्स हैं। वी हैव इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग द इंजीनियरिंग एजुकेशन। हमारी छात्राएं बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट पे काम करती हैं, इंडस्ट्री ग्रेड इक्विपमेंट पर काम करती हैं। वनस्थली का ऑटोमेशन सेंटर है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है और मुझे बड़ा गर्व है कि पूरे भारत में शायद ऐसी फैसिलिटी और कहीं नहीं है, ये बताया जाता है। और इससे हमारे बच्चों का 100% प्लेसमेंट होता है लीडिंग नेशनल और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज के अंदर। बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह था, जैसा कि आपको मालूम है कि शांता भाई चली गई थी, शांता भाई को कुछ बनाना चाहते थे आपा जी, तो आपा जी इन बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। जब बहुत छोटी, बहुत कम लड़कियाँ थी तो पिकनिक पे जाया करते थे, तो आप बच्चों को लेके जाते थे, उनको निवाई तक हम लोग पैदल जा करके पहाड़ पर चढ़ते, वहाँ दाल बाटी चूरमा खिलाते और मस्ती से फिर आपा जी के साथ आते। दिसंबर 73 में जब आपा जी का देहावसान हो गया, उसके बाद जब आपा जी का पहला जन्मदिवस आने वाला था, तो हम सभी ने काफ़ी विचार विनिमय किया कि आपा जी के जन्मदिन को किस तरह से मनाया जाए। ये दादा का, जो कि उनके पुत्र थे, उनका ये उनका विचार था कि इसको एक मेले के रूप में मनाया जाए और एक हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि आपा जी बहुत जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, तो वो जीवंतता कैसे मौजूद रहे, उसके रूप में आपा जी का मेले को मनाया जाता है। आज भी वनस्थली के अंदर जो है वो आपा जी का जन्मदिन जो है वो बहुत ही विशेष दिन माना जाता है और छोटे से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक वो बहुत समय पहले आपा जी के जन्मदिन का इंतजार रहता है। आपा जी मेला हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेकोरेशन, लाइट्स, फोटो क्लिक करना, फ्रेंड्स का थोड़ा मजा करना, एग्जाम्स के पहले एक रिफ्रेशिंग बहुत अच्छा माहौल रहता है। द अरेंजमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड आर अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। और इसमें देखिए कि जो पहले हमारे जो को फाउंडर थे दादा जी को बोलते हैं दिवाकर शास्त्री जी, फैंसी ड्रेस में आते थे और अब उनके पुत्र जो हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जी, वो फैंसी ड्रेस में आते हैं। तो एक कार्यक्रम यही होता है कि उनको ढूंढा जाए कि वो किस रूप में इस बार आए हैं, तो एक क्यूरियोसिटी सब बच्चों में, सारे हमारे स्टाफ में एक बनी रहती है कि वो इस बार क्या विचित्र वेशभूषा करके आए। आपा जी का ये सिद्धांत था कि जो है वो मैदान में छोड़ो, आदमी को परिस्थिति का सामना करने दो, धीरे धीरे वो अपने आप सीखेगा, अपने आप उसमें जो है वो आत्मविश्वास पैदा होगा।